आंखों की सुंदरता को लेकर कवियों और शायरों ने कई मिसालें दी है। आंखें शरीर का वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो दुनिया की खूबसूरती को देखने में हमारी मदद करता है, लेकिन जरा सी लापरवाही शरीर के इस सबसे नाजुक और संवेदनशील अंग को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। आंखों की नियमित देखभाल न करने से कई गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, बचपन से लेकर एक निश्चित उम्र तक नियमित रूप से अगर विशेषज्ञ से आंखों की जांच न करवाई जाए तो भविष्य में इसके दुष्प्रभाव से बचना काफी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के सबसे पुराने श्रॉफ आई हॉस्पिटल में कार्यरत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता दुबे ने एक चर्चा में बताया कि आंखों की कुछ बीमारियां मरीज के छूने भर से हो सकती हैं। इसके लिए कई सावधानियां बरतनी चाहिए। वो मानती हैं कि आंखों की सुरक्षा और देखभाल के बारे में भी सरकार को जन जागृति अभियान चलाने चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस जो कि आपका इन्फेक्शन होता है वो काफी कॉमन होता है, और कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट अगर ये बैक्टीरिया है तो आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देनी पड़ेगी। आपको बार बार साफ करें, उसको साफ रखें, और ये जरूरी है क्योंकि बीमारी कंटेजियस होती है। अगर एक घर में एक व्यक्ति को हो गई तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी हो जाए। तो इसका जिस आदमी व्यक्ति को बीमारी है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जो भी सामान यूज करता है वो सामान अलग करे, हर चीज को घर में टच ना करे, सेग्रीगेटेड रहे, ठीक है, आपकी बार बार सफाई करे, और एंटीबायोटिक जो ड्रॉप्स लिए वो उसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ही करे। ग्लॉकोमा या काला पोतिया आपकी बीमारी है जिसमें कि आपकी नस धीरे धीरे सूखने लगती है, और इसका मुख्य रीजन होता है कि आपका प्रेशर, आपके अंदर हमारा एक पानी होता है, वो भी पानी आपको न्यूट्रिशन देता है, आपका शेप मेंटेन करता है। उस आपका दबाव, पानी का दबाव अगर बढ़ जाता है तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व पे असर आने लगता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व एक नस जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है और उसी नस के थ्रू हमें दिखाई देता है। तो अगर वो नस धीरे धीरे सूखेगी तो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी और अंत में ऐसी नौबत आ जाती है कि आपकी रोशनी पूरी तरह से चली जाए। चश्मा, एक्चुअली आंख में चश्मा लगना जेनेटिक होता है, बच्चों में शुरू से प्लस पावर कई बच्चों में देखा जाता है, और लो प्रेशर इसलिए हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की जांच टाइम पर नहीं कराते हैं। पेशेंट पेरेंट्स का अवेयरनेस नहीं होता, उनको पता नहीं होता है कि आंख में बच्चे को चश्मा भी लग सकता है, उसकी डॉक्टर इलाज नहीं कराते। और अगर नंबर है और अगर नंबर नहीं यूज किया गया तो आप लेजी हो जाती है और ये डेड भी हो सकती है। स्पेशली ये तब होता है जब एक आंख में नंबर हो तो दूसरी आंख ना हो, तो जिस आंख में नंबर है वो आप धीरे धीरे लेजी हो जाती है क्योंकि वो आंख यूज में नहीं आती। बच्चा सिर्फ वही आंख यूज करेगा जिसमें उसको नॉर्मल दिखाई देता। अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल सरकार ने कुछ कुछ के लिए चलाया है, जैसे आप अभी बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी काफी कॉमन है, एंड जो भी लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के बच्चे होते हैं जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, जिनको डाइट प्रॉपर नहीं होती, तो ये डेफिशिएंसी काफी कॉमन होती है, और उसमें जरूरी है कि सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम करे। और अगर बच्चे को विटामिन ए डेफिशिएंसी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको सप्लीमेंट दे, तो ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को 40 साल के बाद अपनी एक आंख की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ग्लॉकोमा या काला पोतिया की कोई लक्षण नहीं जब तक कि आंख की रोशनी काफी कम हो जाती है, तभी पेशेंट को या मरीज को पता पड़ता है कि हमारी आंख की रोशनी जा रही है कम हो गई। उसके पहले से कोई लक्षण नहीं होते, जैसे पानी आना या आंख में दाना बनाना, ये सब लक्षण नहीं है जिससे जो कि अलार्मिंग होते हैं पेशेंट के। तो जरूरी है आप नियमित रूप से 40 साल के बाद अपनी आंखों की जांच कराएं ताकि डॉक्टर ये देख पाए कि आपकी आंख में कुछ खराब है, तो आपको उस हिसाब से एडवाइस दी जाए। पॉल्यूशन से एलर्जीज हो सकती है आंखों में, ड्राइनेस आ सकती है। हमने कई अपने मरीज देखे हैं जो कि जिनकी रोशनी एकदम ठीक होती है बट उनकी आंखों में कंफर्ट नहीं होता, लाइक उन्हें हमेशा कुछ फॉरन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगता है कि आंख में कुछ खराब हुआ है, बॉडी होती रहती है, आंख में भारीपन रहता है। वो उनको जब हम एग्जामिन करते हैं तो पता पड़ता है कि आंख में ड्राइनेस है या फिर आंख में एलर्जी होती है, तो ये सब पॉल्यूशन।
नई दिल्ली से उपदेश सक्सेना के साथ सुनीत कुमार की रिपोर्ट।